फरीदाबाद सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाने और फरीदाबाद में 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में महापंचायत का आयोजन हुआ। मिर्जापुर गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। ग्रेटर फरीदाबाद सहित 26 गांव के लोगों ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया। सभी ने एक सुर में प्रशासन से दोनों फैसलों को वापस लेने की मांग की है। का जो यार्ड यहाँ बनने जा रहा है, ये सच्चाई में तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। बंदवाड़ी वाला प्लांट वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार के होते हुए और वहाँ पे अभी 10 दिन पहले वहाँ गोलियाँ भी चली हैं, और वो सारा रिसाइकिलिंग अगर वहाँ होता रहता तो यहाँ उस वार्ड इसको यार्ड को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और सच्चाई ये है कि ये अगर यहाँ ये बनता है तो ये हमारा जो पूरा नहर पार का क्षेत्र है, हमारे सेक्टर्स हैं, और यहाँ सारा इतनी गंदगी पैदा हो जाएगी कि आदमी यहाँ रहने के लायक ये जगह नहीं रहेगी। पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर कई कई किलोमीटर तक चीलें, बाज, गिद्ध ये सारे यहाँ उड़ेंगे। यहाँ रहने के लिए जो ग्रेटर फरीदाबाद बनाया, इसका यहाँ कोई औचित्य नहीं है। और इसका हम पंचायत के थ्रू अगर कोई हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज ये टेंट जो यहाँ लगा हुआ है, इस टेंट को उठा कर उसी जगह पे ले जाएंगे और दिन और रात वहीं बैठ के निगरानी करेंगे। हम बनाने की जगह है यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो किस किस तरीका के 85-90-1 करोड़ से कम प्लॉट नहीं है, किस किस तरीका से लोग लोन ले रहे हैं, किस किस तरीका से लोग अपनी पूंजी को लगा रहे हैं, और ये बात जो यहाँ अच्छी शोभा देती है। डंप करने का जो यार्ड यहाँ बनने जा रहा है, तो आपको बताएं कि मिर्जापुर गांव में महापंचायत का आयोजन हुआ। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाने का भी विरोध हो रहा है। 26 गांव ने इस दौरान हिस्सा लिया और यहाँ पर कई तरह की मांगे इनके द्वारा रखी गई। डंपिंग यार्ड को लेकर भी इन्होंने विरोध जाहिर किया है। निगम में शामिल होने को लेकर भी इन्होंने विरोध जाहिर किया। 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का दरअसल ये विरोध है जो कि लगातार गहराता जा रहा है, और इससे पूर्व में भी तमाम जनप्रतिनिधियों से इन्होंने मुलाकात की थी, अपनी बातों को रखा था। और आज एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन हुआ जिसमें तमाम लोगों ने एक सुर में ये बात रखी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, सरकार दोनों फैसलों को वापस ले, और जो परेशानी इस बीच उनके साथ आ रही है कहीं ना कहीं उसको दूर कर दे। खबरों में आगे